नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से मैं आर के सर आज एक और बहुत अच्छी और बहुत प्यारी वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। तो आज जिस मैं टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जो है हमारी लाइफ में इसका एक बहुत बड़ा रोल है और हमारा जो फ्रीडम है इसी डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर लाइफ के अंदर कहते हैं कि डिसिप्लिन नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हैं वो डिसिप्लिन वे में नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बात कर रहा था मैं फ्रीडम की, कि जो फ्रीडम है वो डिसिप्लिन से कैसे जुड़ा हुआ है और फ्रीडम का असली मज़ा हम कैसे ले सकते हैं। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन है तो फ्रीडम बहुत 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 कुछ आपको देने वाला है, अदरवाइज विदाउट डिसिप्लिन फ्रीडम की कोई वैल्यू नहीं। कुछ एग्जांपल से मैं आज आपको ये शो करूँगा। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एक ऐसे डॉग की, एक डॉग की बात कर रहा हूँ जो वेल ट्रेंड डॉग है। उसको पिछले एक साल में पूरी ट्रेनिंग दी गई है, पूरे एक साल में उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं और आपने देखा होगा जो भी हमारे मिलिट्री मैंस होते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे ट्रेंड डॉग होते हैं, और जो हमारे पुलिस मैन होते हैं उनके पास भी बहुत सारे ट्रेंड डॉग होते हैं, और हमारे घर में भी बहुत सारे पेट को हमने ट्रेंड किया होता है। तो उस डॉग में एक नॉर्मल डॉग में फ़र्क क्या होता है और उसके फ्रीडम से मैं जोड़ के आपको बताना चाहूँगा। जब मिलिट्री वाले उस डॉग को हम फ्री करते हैं उसको मालूम होता है कि मुझे क्या करना, उसका एक टारगेट होता है, उसको जिस बात के लिए ट्रेन किया गया होता है अब वो उस काम में एकदम जुट जाता है और उसको बहुत अच्छे से करता भी है, क्योंकि उसको एक डिसिप्लिन सिखाया गया है कि तुम जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है वो वर्क शुरू करता है। एक नॉर्मल डॉग को जब आप उसकी जो गले में उसके पट्टा या रस्सी बंधी हुई है उसको छोड़ते हैं तो वो सिर्फ मूवमेंट करता है, इधर उधर घूमता है, बस थोड़ा टहलता वहलता है फिर वापस आके यहीं खड़ा हो जाता है। उसकी लाइफ में उस फ्रीडम का, जो आपने उसको फ्री कर दिया कि जाओ अब जो कुछ भी करो, उस फ्रीडम को वो एंजॉय नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको ट्रेंड नहीं किया गया किसी चीज़ के लिए। सेम हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है, हमारी लाइफ में जब डिसिप्लिन नहीं होता है, हमारी लाइफ को जब फ्री छोड़ दिया जाता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मूव करती रहती है, कुछ भी अचीव करने की कोशिश करती है, कुछ भी विड्रॉ करने की कोशिश करती है, कुछ भी हैप्पीनेस लेती है, कभी सैडनेस होता है, तो उसकी लाइफ में कोई भी चीज़ किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी लाइफ में किसी भी काम को करने का कोई डिसिप्लिन होता नहीं है। इनडिसिप्लिन होने की वजह से वो एकदम, उसको हमेशा बोरियत महसूस होती है, उसको नकारा सा लगता है, उसको लगता है लाइफ में अब कुछ भी नहीं है। तो लाइफ में कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँगा ट्रेन का। ट्रेन जो कि डिसिप्लिन वे में जो ट्रेन है वो कैसे, ट्रेन जो अपनी बुलेट ट्रेन की मैं अगर बात करूँ तो ट्रेन बहुत तेज़ी से जब चल रही होती है, बहुत तेज़ी से दौड़ रही होती है, तो ट्रैक उसको डिसिप्लिन कर रहा होता है, और ट्रैक जब डिसिप्लिन कर रहा होता है तो ट्रेन अपनी फुल स्पीड से करती है और बुलेट ट्रेन की फॉर्म में 500, 600, 700, 400 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, अगर वही ट्रैक उसको डिसिप्लिन नहीं करे तो वो ट्रेन जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो कहीं ना कहीं इधर उधर उलट पलट के वो चकनाचूर हो जाएगी। सिर्फ डिसिप्लिन एक ऐसा तरीका था जो उसको मूव कर रहा है। सेम ऐसे अगर हम रिवर का एग्जांपल लें तो जो उसके कॉर्नर होते हैं, जो उनके किनारे होते हैं, बैंक होते हैं, वो उसको डिसिप्लिन करते हैं, उसको एक डायरेक्शन देते हैं, तो वो वही नदी तमाम विलेजेस के अंदर तमाम जगहों से होकर गुजरती है और वहाँ के आसपास के लोग होते हैं उनके फार्म में उसी नदी का पानी का बेनिफिट वो उठा पाते हैं। वही नदी अगर उसका फ्लड उस किनारे को हटा दिया जाए तो वही नदी का पानी चारों ओर फैल जाएगा, फ्लड का रूप धारण करेगा, इनडिसिप्लिन वो पानी हो जाएगा जो डिसिप्लिन किनारों की वजह से था और अब सारे तरफ डिस्ट्रक्शन होगा। बीचेस की अगर मैं बात करूं, जब बीचेस पे आप घूमने के लिए जाते हैं तो आप अंदर उसके अंदर घुसते हैं, आप इंजॉय करते हैं, वही बीचेस पे अगर सुनामी का एक फॉर्म आ जाए तो वो पानी चारों डिस्ट्रक्ट कर जाता है। यानी इनडिसिप्लिन वे में कोई भी चीज़ को आप इंजॉय कर ही नहीं सकते। आपको अगर इंजॉय करना है, आपको फ्रीडम का पूरा आनंद लेना है तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सो इस तरह से आप डिसिप्लिन के बारे में अगर, और एक एग्जांपल से मैं शो करूं कि एक कागज़ का टुकड़ा है, अगर उसको हवा के अंदर आप
ऐसे फेंक दीजिए तो कहीं जहां मन करेगा वो जाएगा, हो सकता है आग के ऊपर गिर जाए, हो सकता है पानी के ऊपर गिर जाए, ख़राब हो जाए, लेकिन उसी कागज़ में कुछ तीलियां लगा के उसको पतंग की फॉर्म में अगर बनाया जाए तो वो पेपर एक डिसिप्लिन फॉर्म में आ गया। उड़ेगा अब भी वो, लेकिन अब वो फ्रीडम का पूरा लुत्फ़ उठाएगा। अब उसके साथ जो धागा बंधा हुआ है, उसकी जो डोर बंधी हुई है, अब उसको उड़ाएंगे, वो आकाश में जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे चाहे वो जा सकता है, वो पतंग के फॉर्म में। अब वो कागज़ वो डिसिप्लिन फॉर्म में आ गया है। तो डिसिप्लिन जो है हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपने फ्रीडम को खूब इंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को जितना ज़्यादा हो व्यवस्थित करिए, जितना ज़्यादा हो डिसिप्लिन वे में लाइए, तभी अपनी लाइफ के में फ्रीडम का फुल इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनडिसिप्लिन की वजह से आप अपनी लाइफ में ना तो कुछ अचीव कर पाएंगे, ना किसी चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये आज मैंने बहुत छोटी सी कुछ टिप्स बताई कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस ला सकती है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आए, एक ट्रैक मिले, एक वे मिले, ताकि आप अपने उस फ्रीडम का जिसमें आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं फुल एंजॉय करें और आपको बहुत सारी अचीवमेंट मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये लेक्चर यहीं वाइंड अप करता हूँ। ढेर सारे हैप्पीनेस खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ खूब मौज मस्ती से अपने दिन बिताइए। इन्हीं बातों के साथ मैं आर के सर आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे। शब खैर।